हे व्हाट्स अप पब्लिक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में वैसे तो आप लोगों को टाइटल देख के पता चल गया रहेगा कि 21 डेज हम लोग घर पे क्या करें, और ये पीएम मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने तो ये जो कोविड 2019 मतलब कोरोना वायरस के वजह से ऐसा डिसीजन लेना पड़ा है उनको कि 21 डेज के लिए इंडिया को टोटली लॉकडाउन करना पड़ेगा। लेकिन उसमें पैनिक नहीं होना है। 21 डेज आप लोग घर पे क्या करोगे वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके पहले आप सभी लोगों को गुड़ी पाड़वा का और नवरात्रि का पहले दिन का हार्दिक शुभेच्छा। और जैसे कि आप लोगों को पता है 21 डे का डे वन है, तो ये लॉकडाउन जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो लिया है, एक बड़ा स्टेप पूरे इंडिया को कोविड से बचाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन इसमें हमें पैनिक नहीं होना है, इसमें हम लोग को एक दूसरे का साथ देना है। और आप लोगों को अपने घर में बैठना है चुपचाप, मतलब खुद को ना बंद करना है कमरे में। और जब तक सब लोग मिलके ये नहीं करेंगे ना, तब तक ये महामारी बीमारी नहीं जाने वाली है कोरोना वायरस की। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है आज 25 मार्च है और अभी इवनिंग का 6 बज रहा है, तो पूरा दिन मैंने क्या किया वो चीज़ आपसे एक्सप्रेस करूँगा। और फिलहाल मैं टेरेस पे हूँ तो मुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस तो भाई एयरबॉर्न नहीं है, वो छूने से टच होने से फैलता है, और टेरेस पे कोई मोस्टली आता नहीं है। सो ये तो होने से रहा, ठीक है, फिर भी प्रिकॉशंस मैं ले रहा हूँ। सो आप खुद की भी बहुत ही फिक्र करो, घर में खुद को लॉकडाउन करो। अगर मैं बात करूँ तो आज मैंने क्या क्या किया है, सो बेसिकली आज मैं आराम से उठा हूँ 9-10 बजे के आसपास, नाश्ता किया एंड उसके बाद बस आराम ही चल रहा है घर पे, नथिंग एल्स, गेमिंग चल रहा है, फिर उसका फैमिली का टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ। एंड थोड़ा सोचा कि ऊपर आके आप लोग से डिस्कस कर लो कि आप लोग कैसे 21 डेज आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे उस 21 डेज में, क्योंकि इंसान बोर हो जाता है। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं खुद भी बोर हो गया, बट एक यूट्यूबर के लिए ये काफ़ी चीज़ें होती है कि वो पब्लिक जो उसके व्यूवर्स है, जो उसके टेक्टीआरवी की फैमिली है, ठीक, उनके लिए हम लोग क्या करें यार, हम लोग कुछ ना कुछ न्यू क्रिएशन करें, कुछ व्लॉग्स बनाए, या फिर ऐसे काफ़ी सारे ये वीडियोज़ लेकर आएंगे कि ताकि आपको इन्जॉय होते रहे, बोर ना हो आपकी लाइफ। बट फिलहाल मैं मेरी बात कर लूँ तो 11 बजे के आसपास नाश्ता कर लिया, उसके बाद फिर हम लोग बिल्डिंग में कुछ सोसाइटीज़ में क्लीनिंग की है कि ताकि प्रॉपरली सैनिटाइज हो हमारा बिल्डिंग, वॉशिंग एंड ऑल सब किया प्रॉपरली किया, तो आप वो वीडियो देख लेना, नीचे आपको कहीं पे दिखता रहेगा। उसके बाद हम लोग घर पे गए, प्रॉपरली खुद को डिटॉल साबुन एंड ऑल कहीं पे भी टच नहीं किया, प्रॉपर क्लीनिनेस के हिसाब से हम लोग ने खुद को मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तो क्लीन कर लिया, स्नान किया एंड बाद खाना खाया, थोड़ा आराम किया, वापस से गेम खेला एंड ऊपर आ गया। सो ये डेज होते हैं, और सिर्फ ऐसे टाइम पे मैं एडिटिंग भी करता हूँ, मेरे जो कुछ वीडियोस पेंडिंग है, जैसे कि मैंने कहा टेक के वीडियोस मेरे काफ़ी सारे पेंडिंग्स अपलोड करना, तो वो चीज़ को भी मैं एडिट करते बैठ रहा हूँ कि ताकि इन 21 डेज में वो ख़त्म होते रहे धीरे धीरे, है क्या नहीं। तो ये तो मेरा था, अभी 6 बज रहे, अभी शाम को क्या होने वाला है ये तो आपको भी पता है, घर में जाके लॉकडाउन ही होना है, खाना खाना है, थोड़ा फैमिली लोग के साथ टाइम स्पेंड करना है, गेम खेलना है एंड सो जाना है, या फिर एडिट करके बैठना है। तो ऐसे सीरीज़ चलते रहेंगे ये हमारे 21 डेज़ के लिए। लेकिन इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हो वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। काफ़ी सारे चीज़ें आप लोग को बहुत चीज़ें पता भी होगी, बट काफ़ी सारे चीज़ें शायद मैं कुछ आप लोग को बताऊँ, और आप लोग को भी कमेंट करके बताना कि आप लोग ने क्या किया है आज के दिन, या फिर आपके पास ऐसे क्या क्या आइडियाज़ है। मेरे पास तो कुछ 5-6 आइडियाज़ है जो मैं आप लोगों के लिए बता सकता हूँ, और मैं वो खुद भी फॉलो करता हूँ। और आप लोग क्या न्यू उसमें कर रहे हो वो चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, आप पक्का बताना ज़रूर। और फिलहाल यहाँ पे जो सनसेट हो रहा है ना, जैसे कि मैंने वाला 6:10, 6:15 हो गया और यहाँ पे सनसेट हो रहा है, ठीक है। और उसके पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरा सुनसान है, कोई भी पब्लिक नहीं है बाहर, एंड इट्स लुक वेरी नाइस। और ऐसा मुंबई वापस देखने नहीं मिलेगा, और ये 21 डेज आपको इन्जॉय करने नहीं मिलेगा, इतना भी ध्यान देना, लाइफ में ये 21 डेज बार बार नहीं आने वाला है, और हो सकता है ये 21 डेज काफ़ी एक्सटेंड भी होगा। सो रोड देख सकते हो आप पूरा का पूरा खाली है, बर्ड्स की काफ़ी सारे साउंड आ रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और अभी आप लोग देखो, इन 3-2-1 गो। ओके, अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि मोदी जी ने 21 डेज के लिए क्यों कहा है। मोदी जी ने 21 डेज इसके लिए कहा है, ये तो आपको स्टेटस पे भी बहुत सारे पता चल गया रहेगा व्हाट्सएप पे, लेकिन मेन रीज़न है कि जहाँ पे भी ये जो वायरस है, कहाँ पे भी टच होके जो फैलता है, राइट, सो अगर कहीं पे भी ये वायरस रहेगा तो वो काफ़ी चीज़ों पे 24-14 आवर्स के लिए एक्टिव रहता है। किसी मेटल, प्लास्टिक, स्टील, ग्लासेस पे कम से कम 5-4 डेज एक्टिव रहता है। सो अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर उसे हाथ लगाता है
किसी भी उस इफेक्टिव प्लेस पे जहाँ पे वायरस है, और वो आपके इसमें बॉडी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वो भी आपको कब पता चलेगा, आफ्टर 14 डेज। सो इसके वजह से ये 21 डेज का पूरा इंडिया लॉकडाउन रहेगा, सबके सब घर में रहेंगे, ठीक है। तो आपको पैनिक मत होना, आप लोग अभी से जाके कल, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे मार्केट्स में जाके मेडिकल के शॉप्स के बाहर खड़े हो गए, ग्रोसरीज आइटम के यहाँ पे जाके खड़े हो गए, जबकि ये चीज़ आपको मिलेगा आराम आराम से, धीरे धीरे भी मिलेगा, सप्लाई कहीं रुकने वाला नहीं है, यहाँ तक ये भी मोदी जी ने कहा है। ओके, सो ये जो ग्रोसरीज डेरीज आइटम्स है ये आपको कंटिन्यू मिलने वाला है, शॉप चालू रहने वाले, सिर्फ मॉर्निंग में आपको मिलेगा, इवनिंग के टाइम पे नहीं मिलेगा, आप लोग उसके लिए पैनिक मत होना। सो ऐसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो इतने जल्दी से मेरे को लगता है ना बोर हो जाते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों का टेक्स्ट आया कि यार बोर हो रहा है घर पे, क्या करे क्या नहीं करे। फिर मेरे से काफ़ी सारे फ्रेंड्स बोलते चलो क्रिकेट खेलते। अरे यार क्रिकेट क्यों, जब मोदी जी ने बोला है घर में बैठो हो तो बाहर आके क्रिकेट क्यों खेलना है, क्यों हमें मस्ती करना है। सो इट्स बेटर कि हम लोग घर के अंदर ही रहे, सेफ रहे। मैं सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देते, सो मैं इसके लिए ऊपर आया एंड वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि मेरे टेक फैमिलीज से जो या फिर न्यू व्यूवर्स होंगे उनको हेल्प आउट हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पहली बात बोल दो कि 21 डेज जो ऑफिस में काम करते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जब वो लोग तो ये सोचते रहेंगे यार कब हम लोग को छुट्टी मिलेगी, कब हम लोग आराम से घर पे इंजॉय करे, या फिर बहुत लोग ऑफिस से बोलते यार थक गया मैं, बहुत काम कर लिया, अब तो मेरे को रेस्ट चाहिए एक हफ्ते का। सो ऐसे टाइम पे जब हम लोग को सामने से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हम लोग उसको इंजॉय क्यों ना करें, तो किस वे में इंजॉय करेंगे, बोर होके नहीं, ठीक है। सो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मेरे लिस्ट में आता है कि यूज़ दिस टाइम विथ योर फैमिली। फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करने के लिए काफ़ी समय मिलेगा। सुबह आप 9 बजे उठते हो तो रात को 9 बजे सो जाओ यार, फिर भी उतना जो 12 घंटा आपको आपके फैमिली को दे सकते हो, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक सुबह का ब्रेकफास्ट साथ में करो, दोपहर का लंच, रात का डिनर, शाम का नाश्ता, इवन वॉच मूवीज़, एंड काफ़ी चीज़ों में ऐसा है कि मॉम को हेल्प करो खाना बनाने में। आपका ये जो टाइम है आप खुद कैसे स्पेंड करोगे। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ तो ये 21 डेज में आप कैसे यूज़ कर सकते हो, एक्सरसाइज करके खुद को फिट रख के, हेल्थी चीज़ें खा के। ऐसा नहीं है कि 21 डेज में आप फैट हो सकते हो, ऑफिस में जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप खुद की एनर्जीज़ को फैट मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते। घर पे सोना, खाना पीना, एक्सरसाइज करना, इससे भी आपका फैट लॉस हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपरली हेल्थी फूड या फिर हेल्थी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सो ये चीज़ें क्या होगा, आपकी बॉडी को अगर आपको शेप देना है, जो 2020 में अगर आपने रेजोल्यूशन लिया रहेगा कि मैंने बाहर की जो चाइनीज़ है फूडीज आइटम है वो नहीं खाऊंगा, एंड उसके बाद जो हमारे घर पे मॉम जो बना के देती है अच्छे अच्छे अपने हाथों से, तो वो चीज़ आप खा सकते हो। एंड उससे क्या होगा, काफ़ी सारे चीज़ें जब आप एक्सरसाइज करोगे तो वो बर्न करो, राइट। तो जो आपकी फैट रहेगी ना वो आपको बर्न कर सकते हैं। घर पे काफ़ी छोटे छोटे एक्सरसाइज आप कर सकते हो, इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ भी बने। अगर आपको चाहिए कि मैं वैसे वीडियोज़ बनाऊँ होम एक्सरसाइज, तो आप कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे छोटे एक्सरसाइज अगर मैं बताऊँ तो आप जॉगिंग करो, 100 डिप्स मारो, सूर्य नमस्कार 100 करो, सिटअप्स करो, इवन एप्स के ऐसे ऐसे एक्सरसाइजेज है जो आप घर पे इजीली कर सकते हो, जिससे जो बॉडी के जो फैट्स है उसे कम कर सकते हो। ओके, तो ये एक दूसरी पॉइंट हो गई। तो जैसे कि मैंने कहा एक्सरसाइज करो, 1 घंटा ही करो तो भी बस है, ठीक है। हेल्थी खाओ, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, मम्मी के हाथ का खाना खाओ, और मस्त में आलसी बनाना आपके बॉडी जो है आलसी बनाना आपके अंदर वो निकाल दो। 1 घंटा एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा रिलीफ करेगा आपके माइंड और स्ट्रेस को लेके, और आपके बॉडी को भी काफ़ी अच्छे से फिट रखेगा। अगर मैं आता हूँ आगे के थर्ड पॉइंट पे, सो गाइस थर्ड पॉइंट ऐसा है कि आपको बस चिल करना है, ठीक है। चिल इज़ लाइक जस्ट सीट, ओपन द टीवी, काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स है लाइक हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम का वीडियो आप लोग नहीं है एक्टिवेट तो कर लो। सो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें, यूट्यूबर्स आपके लिए है एंटरटेन करने के लिए। सो ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप जाके डेली शोज़ देख सकते हो, कुछ वेब सीरीज़ देख सकते हो। टीवीज़ तो है नो डाउट, फिर भी अगर ऐसे कुछ न्यू हैटिक द फैमिली मैन, फिर उसके बाद काफ़ी ऐसे शोज़ आए हैं, तो वैसे आप लोग ये सब प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन वेब सीरीज़ के जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर देख के आप काफ़ी सारे चीज़ें सीख सकते हो, या फिर कर सकते हो, या फिर आप मज़ा ले सकते हो, ठीक है। आपके बोरपन को आप निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूँ फोर्थ पॉइंट की, तो यार थोड़ा सोशलाइज हो जाओ। सोशलाइज मतलब अपने ओल्ड फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स, सबको ना टेक्स्ट करो, जिसको आज तक कभी टेक्स्ट नहीं किया, काफ़ी दिनों से बात नहीं किया है, उनको टेक्स्ट करो, उनसे बातें करो, उनसे कॉल करो, वीडियो कॉल करो, सबको कॉन्फ्रेंस करो, यार सबके साथ सोशलाइज हो जाओ, क्योंकि 21 डेज के बाद आपकी लाइफ बिजी हो जाएगी, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग से बात नहीं कर पाओगे, वही अपनी वापस लाइफ में हो जाओगे। ऐसे तुम्हारे फ्रेंड्स भी जो जॉब पे जाते हैं, जो स्कूल्स में बिजी होते हैं, जो स्टडीज़ में बिजी होते हैं, सो वो लोग भी सेम चीज़ प्रोसेस पे आ जाएंगे 21 डेज़ के बाद। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि 21 डेज़ के बाद इंडिया लॉकडाउन रहेगा कि नहीं,
हो सकता है ये एक्सटेंड हो जाए फिर ना भी हो। फिफ्थ नॉट द लास्ट जो कि मेरे तरफ से है और ये है ऑनलाइन गेम्स है, ठीक है। तो ऑनलाइन गेम्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आप अपने सारे दोस्तों को बुला के खेल सकते हो, सारे नहीं, गेम्स के ऊपर डिपेंड है कि कितने मेंबर्स आ सकते हैं कितने नहीं, ठीक है। जैसे कि पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, कैरम, लूडो। लूडो तो आपको मार्केट में जाने की खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपके मोबाइल में ही है। फिर उसके बाद ऐसे और भी सारे गेम्स है, टेम्पल रन, देन कैंडी क्रश, ये सब है ना, सब आप लोग खुद अकेले भी खेल सकते हो और फ्रेंड्स लोग को इन्वाइट करके भी खेल सकते हो। लेट्स इन्जॉय दिस मोमेंट, ओके। ये 21 डेज वापस हाथ में नहीं मिलने वाला है, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। और एक बात, ये जो कैरम और जो लूडो गेम है ये आप तो फ्रेंड्स को इनवाइट करके भी खेल सकते हो, लेकिन साथ में फैमिली के साथ भी खेल सकते हो, जिससे आपका टाइम काफ़ी अच्छे से स्पेंड होगा उनके साथ। आप लोगों को टाइम मिलेगा कि आपके पेरेंट्स अपने मॉम डैड को भी मतलब ये चीज़ के ऊपर इंजॉयमेंट कर सको, है क्या नहीं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, मैंने तो आप लोगों को 5 चीज़ें बताई है, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप अपना 21 डेज कैसे स्पेंड करते हैं। और कमेंट करके ज़रूर ये बताना कि आप 6, 7, 8, 9, 10th पॉइंट्स आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो, ओके। तो जिससे कि मेरे व्यूवर्स को भी पता चले कि यार वो अपना टाइम जो यूज़ कर सकते हैं इस 21 डेज में, वो टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग क्यों ना हो या फिर खुद को बॉडी को डेवलप करने में क्यों ना हो, वेट लॉस करने में ही क्यों ना हो। तो गाइज, होप ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच जो आप लोग नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे PM जी ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, आप लोग उसे सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। जिससे क्या होगा, हमारे देश का ही फायदा होने वाला है, राइट, क्योंकि हम लोग को कोरोना फ्री होना है। और चाइना ने तो कुछ ना कुछ तो हमेशा गलत माल ही भेजा है, लेकिन इस बार जो माल भेजा है ना कोरोना वायरस, बहुत ही खतरे वाला माल भेजा है, मतलब वो जल्दी क्या बोलते हैं, उसका एक्सपायरी डेट नहीं है, ठीक है। सो हम लोग को केयर करना है खुद का और खुद के देश का। तो जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि खुद को घर में बंद कर लो, उसी तरह गो कोरोना, जो भी करना अपने घर पर ही करो ना, है ना, सही ना। सो लेट्स बी टूगेदर, फाइट टूगेदर एंड विन दिस गेम, जो भी चैलेंजेस है अभी ना, इसे हम लोग को जीतना है कैसे भी, इस वायरस को हरा के। बी सेफ, बी हैप्पी, और घर से बाहर निकलो मत, क्योंकि अपने देश की सुरक्षा अपने हाथों में ही है, राइट। सो हमेशा अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहना और अपने देश को भी क्लीन रखना। थैंक यू सो मच उन सभी डॉक्टर्स को, सिस्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, जो इतने सारे मैनेज करे, जो मुंबई को क्लीन रखने के लिए, जो इंडिया को क्लीन रखने के लिए, जो सब लेबर्स जो बाहर आए हैं, क्योंकि वो ऐसे सिचुएशंस में भी अपने घर से बाहर आके अपनी फैमिली की फिक्र छोड़ के वो हमारे पूरे देश के लिए क्लीनिनेस का चल रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। सो सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Oh, my God.